ये नियोमा विलेज है, माहे ब्रिज के बाद नियोमा विलेज, फिर लोमा बेंड। तो आप देखिए यहाँ के घर कैसे बने हुए हैं, खिड़कियाँ स्पेसिफिकली लकड़ी पर कार्विंग करके बनाई जाती है, और ये इनको बोलते हैं चॉर्टन। ये जहाँ तहाँ बने हुए हैं, पुराने भी हैं। ऊपर जो पहाड़ी थी उस पर एक किला बना हुआ है जिसे अब म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन उसका रास्ता भी बंद था इसलिए वहाँ जाया नहीं जा सका। चौस्टॉप नाम है इसका म्यूज़ियम का। देखिए कैसे अलग अलग रंग के पहाड़ आप देख सकते हैं सामने। यहाँ के लोकल लैंग्वेज तिब्बतन है, तिब्बतन लैंग्वेज बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि लद्दाख का सांस्कृतिक जुड़ाव तिब्बत के साथ बहुत रहा है पहले। काफ़ी होम स्टेज हैं यहाँ पर, और ये छोटे छोटे खेत बना रखे हैं इन्होंने, इसमें ज़रूरत के अनुसार इनको सब्जी अनाज उगा सकते होंगे, अभी तो कुछ उग नहीं रहा है। और यहाँ की छोटी छोटी जो गायें हैं स्मॉल स्टेचर वाली, वो देख सकते हैं। ये जो ट्रेइंग व्हील होता है बड़ा वाला, ये दो तीन जगह हो रहा है वहाँ पर एक लगाए हुए होते हैं। गोल गोल पत्थर ही यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए उन्हीं को ये यूज़ करके अपने खेत खलिहान की दीवार चुनवा लेते हैं, और जो इनके घर होते हैं वो अच्छी मिट्टी के ईंटें होती हैं उनसे ये बनाते हैं। लोमा बेंड का रास्ता एकदम सीधा था, लेकिन हमने सोचा कि म्यूज़ियम भी देख लिया जाए, लेकिन म्यूज़ियम तो बंद है, कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन। क्या है यहाँ पर, ये क्या हैंडीक्राफ्ट है सब? हैंडीक्राफ्ट क्या लिखा है? लद्दाख हाँ सर, ये लद्दाख ये लिखा हुआ है ना इस पे? ये भी इसके ऊपर भी लिखे हैं, इसमें ये लद्दाख और ये लद्दाख। अच्छा, ये चिपकाने वाला है? चिपकाने वाला है। अच्छा, वो म्यूजियम में भी यही चीज है क्या वहाँ पर ऊपर जो? नहीं नहीं सर, ये जो म्यूजियम है वो पुराना चीज का है, जो तो वो तो बंद हो गया, बंद हो रहा है अभी, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, टूट फूट रहा है जो। ठीक है सर, फिर वो खुला नहीं है? अभी नहीं खुला हुआ है, मैं गया देख के आया वहाँ पर। मुझे कोई दिखा ही नहीं, वहाँ एक भी आदमी नहीं दिखा, तो बात भी नहीं कर पाया।
नंबर 6 है हां ये नंबर 6 है दसा छाचू में रुचू रहा छाचू रहा ये ना सब पसंद क्या चू ना कौन सी सुना फर्स्ट हां और सब बिन लो।